बहुत अच्छा लगा. ही इज यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज दैट वो बहुत इस स्टंट के सेक्टर में एक्शन के फील्ड में इतना रह चुके इतने सालों से उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का. तो जब भी हम कुछ करते थे तो मैं उनसे पूछती थी क्या लगता है सर ये कैसे तो ऐसे कुछ वो ये नहीं करते थे जिससे मैं जीत जाऊँ पर एक बेसिक आइडिया देते थे कि यू नो इस तरीके के स्टंट को ऐसे हैंडल किया जा सकता है उस तरीके के स्टंट में वैसा. सो ही इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज. जब भी हम उनसे बात करते थे कुछ नई नई चीज़ें पता होती थी एक्शन के बारे में बिहाइंड द सीन जब भी हम बात करते थे जब शूट नहीं करते थे तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह या ही विल मेक यू लाफ लाइक एनीथिंग. सो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन. वेरी हैप्पी टू मीट हिम. सो लास्टली व्हाट डू यू Rohit Shetty is like an action god, honestly. He's so incredible. I remember I did one challenge where I thought at one point there was just silence on the set. I could feel everyone just silent because I can't tell you the challenge, but I couldn't get to where I needed to go. And in my head, I thought this is over. It's just over. I had no choice but to keep going, and I could just hear Rohit coming near me and just saying, you can do this, get up, you can do it, just get up. And his voice was so soft, but those words were so powerful that I managed to get up. So he's just an incredible support system to have. Rohit sir was good, Rohit sir was very good. Hamesha, unhone har kisi ko motivate kiya. In fact, this time, hamare pehle, hamara jab season shuru hua, the first thing रोहित सर ने बोली वॉज कि हर बार एक लड़का सीज़न जीतता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि एक लड़की सीज़न जीते. और हम सारी लड़कियों ने बहुत कोशिश की है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. You know what, Rohit sir is really cool and he's somebody who's very synonymous to Khatron ke Khiladi. So mujhe nahi lagta agar wo nahi hote to wo motivation factor chala jata us show se. Aur jis tarah se wo personally aapko motivate karte the, it was something really nice, you know. I really want to say that I had a good time. Aur jin jin ko aage mauka milne wala hai, please do not say no. Apne fears se dar ke dar mein go for it, you know. It's just something to explore. मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था. एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो. ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. एंड वी आर ऑल एविडेंस ऑफ दैट. वी हैव ऑल कम बैक इन वन पीस स्क्रैचलेस बिकॉज रोहित सर वाज स्टैंडिंग देयर बिहाइंड अस सपोर्टिंग अस एनकरेजिंग अस. सो अ बिग हैंड फॉर हिम. And just to really add to that, I am really, really glad and I'm really happy कि ये वाला सीजन मैंने किया. पिछले दो साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है बट मैं नहीं कर पाया था. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो पिछले दो सीजन में नहीं किया था. इज बिकॉज आई रियली रियली वॉन्टेड रोहित सर टू होस्ट द शो when I'm a contestant on the show. इज बिकॉज जो एक्सपीरियंस है जो जितने भी सारे स्टंट जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया that was nothing that was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being here. He was a host as well as a mentor. Yep. Yeah. And that was really important. And I'm really happy ki more than a host jab camera cut hota tha to sir ek bahut acche dost hain. Aur humne bahut sari baatein ki jo hum aapko bata nahi sakte sir. Sorry. But thank you so much. Rohit sir ke liye ek baar zordaar taali everybody. Thank you so much. All right, so अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. गाइस शूट पहला सवाल मरेगा तू बैठ बाकी लोगों को नहीं. पहला सवाल तेरे से होगा. अच्छा बट नो एक्चुअली कंटेस्टेंट्स एज़ वेल कैन वी हैव अ वर्ड विद यू गाइस एज़ वेल. हिना व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक ऑन द शो. आई थिंक मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया. बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला. बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ लेकिन स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर और सर ने कहा था कि ये लोग हैं इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी ब्रीफिंग दी गई थी क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू अबॉर्ट द स्टंट आपको सिर्फ
ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर. तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड. यस